जयनगर मधुबनी जयनगर जनकपुर कोरथा नेपाल के बीच नई रेल परियोजना के ट्रेन संचालन को लेकर आज जयनगर में भारत एवं बिहार सरकार के उच्च पदाधिकारियों की एक उच्च स्तरीय बैठक जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में भारत के विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव प्रवास विभाग कस्टम विभाग खुफिया विभाग मधुबनी जिला पदाधिकारी शीर्षक कपिल अशोक एसपी दीपक वर्णवाल समस्तीपुर मंडल के डीआरएम आरके जैन स्थानीय प्रशासन के साथ स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों के साथ बैठक हुई। सभी अधिकारियों ने जयनगर नेपाली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण भी किया। के लिए हम आए हैं, कुछ इंक्रोचमेंट के मामले यहाँ पे अभी नजर में आए हैं। जैसा डीआरएम साहब ने कहा है कि निश्चित ही ये रेलविंग का नेपाल इंडिया का जो प्रोजेक्ट है ये शीघ्र हमको पूरा करना है, तो जो भी इंक्रोचमेंट होगा उसको हम रिमूव करेंगे। साथ ही जमीन विवाद के जो मामले हैं उसको हम निष्पादन जल्द से जल्द करेंगे। इसकी राशि भी हमारे पास प्राप्त हो गई और प्राधिकार में हमने इसको जमा भी किया है और जो लाभुक यहाँ पे थोड़े से अनॉय है उनको जल्द से जल्द उनका मुआवजा मिल जाए। सर, यहाँ पे तस्करी की जो मामले हैं वो काफ़ी ज़्यादा आते रहते हैं, इसको रोकने के लिए सुरक्षा के प्रबंध है वो क्या है? अभी जो है उसी पे हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। जो हमारा इंटरमिनिस्ट्रियल ग्रुप है उसमें एसएसबी के कमांडेंट साहब भी आए हैं, पुलिस के हमारे पुलिस कप्तान भी यहाँ पे मौजूद है, तो वो डिस्कशन भी हम रेलवे पदाधिकारी भी हैं तो उनके साथ यहाँ पे करेंगे। जयनगर मधुबनी कस्टरोल व बजाज स्पेयर पार्ट्स के जांच अधिकारी के द्वारा मंगलवार को जयनगर शहरी क्षेत्र के भेलवा चौक के समीप आधा दर्जन मोटरसाइकिल स्पेयर पार्ट्स के दुकान में स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी कर नकली मोबाइल के साथ एक व्यक्ति को हिरासत में लिया, जिसके विरुद्ध स्पेयर पार्ट्स विक्रेताओं ने भेलवा चौक बैरियर के समीप टायर जलाकर रोड को जाम कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। दुकानदारों ने आरोप लगाया कि पुलिस व जांच अधिकारी पर आरोप लगाया कि गले से 20,000 रुपए की निकासी की गई है। घटना की सूचना मिलते ही जयनगर एसडीओ शंकर शरणोमी व डीएसपी सुमित कुमार दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर मामले को शांत कराते हुए जाम समाप्त कराया। इधर जांच अधिकारी मंगलवार पांडेय ने सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि दरअसल जयनगर के विभिन्न क्षेत्रों में नकली मोबाइल बिक्री की सूचना कंपनी को मिली थी और 3 सदस्यीय टीम जयनगर थाना पुलिस के साथ कई स्पेयर पार्ट्स के दुकान पर छापा मारा। हमें शिकायत मिली है जयनगर पुलिस थाना अंतर्गत कुछ दुकानदार यहाँ बजाज और कैस्ट्रोल के मोबाइल ऑयल डुप्लीकेट बेच रहे, बजाज के ऑटो पार्ट्स और कैस्ट्रोल के ऑयल। तो हम लोग एसपी साहब से मिले, एसपी साहब से मिलने के बाद हम एसडीपीओ साहब से मिले, एसडीपीओ साहब ने बोला थाने से हमें पुलिस मदद मिली और हम लोग जयनगर थाना के अंतर्गत जो दुकानें थी वहाँ चेक करने के लिए गए। चेक करने के लिए गए तो वहाँ पे डुप्लीकेट मोबाइल ऑयल मैंने चेक किया कि वो डुप्लीकेट थे ले, और वहाँ से हमने और दो दुकान चेक की जहाँ से हमने दो एक जगह से मोबाइल ऑयल डुप्लीकेट दुकानों से लाया और दूसरी जगह से बजाज के ऑटो पार्ट डुप्लीकेट लाए। पुलिस थाना में हम लोग आके ये किए। जयनगर सिटी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि जयनगर और आसपास की खबरें सबसे पहले आपको मिले।